न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। खबर आ रही है खरगोन जिले के कसरावत से, जहां सांप काटने से 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। जी हां, कसरावत तहसील के ग्राम कमोदवाड़ा में सांप काटने से बालक की मौत हो गई है। सिद्धांत पिता जालिम उम्र 4 वर्ष निवासी कमोदवाड़ा शाम के 5 बजे घर के पास खेल रहा था, साथ ही बड़ी बहन भी खेल रही थी, जिसने सांप को काटते हुए देखा तभी अपनी मां को आवाज लगाई। बालक की मां ने परिजनों को आवाज दी। परिजनों द्वारा बालक को मुल्तान शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद भी वो नहीं बच पाया। पश्चात उसके डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, जिसके चलते खामखेड़ा पुलिस द्वारा बालक को कसरावत हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। मामला खामखेड़ा चौकी का। वहीं कसरावत खरगोन रोड स्थित साई मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, 3 घायल। घायलों को पुलिस की मदद से शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां इनका प्राथमिक उपचार कर खरगोन रेफर किया गया है। घायलों में सुभाष पिता बाबू डावर उम्र 45 वर्ष निवासी कसरावत, प्रेम पिता मिश्रीलाल जायसवाल उम्र 34 वर्ष निवासी गोलियावाड़ी धामनो, सुनीता पिता लोबान सिंह उम्र 8 वर्ष निवासी कराई भगवानपुरा तहसील, तीनों को प्राथमिक उपचार कर खरगोन रेफर किया गया। पानसमल खेतिया कक्षा 3 से 8 तक का मूल्यांकन पत्रक का दिशा निर्देश जारी। खेतिया के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई बैठक। पानसमल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिले से आए हुए DPCRS सिंगर द्वारा जनपद शिक्षा केंद्र के सभी जन शिक्षकों की बैठक ली, जिसमें मूल्यांकन संबंधित दिन उन्होंने बताया कि कक्षा 3 से 8 तक लगभग 152,000 के आसपास विद्यार्थियों का प्रतिभा पर्व के माध्यम से मूल्यांकन किया जाए, जिसमें उनके लिए पत्रक 1 एवं पत्रक 2, ये 2 प्रकार के पत्रक देकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये केवल शासकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है। न्यूज़ लीडर्स के लिए कसरावत से अबरार पठान और इतिहास से राजेश नाहर की रिपोर्ट।